हाय गाइस, मैं हूं साक्षी मानवाल और आज आपको हम बताने वाले हैं सौम्या शर्मा की कहानी। AGMUT कैडर की 2018 बैच की भारतीय प्रशासनिक सेवा अधिकारी IAS सौम्या शर्मा के पास एक सफल सिविल सेवक होने के वह सभी गुण हैं जो लोगों के जीवन में वास्तविक बदलाव ला सकते हैं। गंभीर सेंसरी न्यूरल हियरिंग लॉस, दोनों कानों से बहुत कम सुनने के बावजूद उन्होंने आरक्षण के लाभों का इस्तेमाल नहीं करने का फैसला किया और अपने पहले ही प्रयास में UPSC सिविल सेवा परीक्षा के पास कर 9वीं रैंक हासिल करी। उनकी जीवन कहानी इस बात का प्रमाण है कि बुलंद हौसले और सच्ची लगन से यदि मेहनत की जाए तो सफलता पाना मुश्किल नहीं है। दिल्ली की रहने वाली हैं सौम्या। सौम्या शर्मा अपने माता पिता और छोटे भाई के साथ दिल्ली में रहती हैं। उनके माता पिता दोनों ही डॉक्टर हैं। उनके छोटे भाई मौलाना आजाद मेडिकल कॉलेज से डॉक्टरी की पढ़ाई कर रहे हैं। सौम्या शुरुआत से ही पढ़ाई में होनहार रही हैं और उन्होंने 10वीं बोर्ड की परीक्षा में अपने स्कूल में टॉप किया था। बेंगलुरु में नेशनल लॉ स्कूल ऑफ इंडियन यूनिवर्सिटी NLSIU में प्रवेश पाने के बावजूद सौम्या ने राष्ट्रीय विधि विश्वविद्यालय NLU दिल्ली का विकल्प चुना। 2010 में अचानक खो दी थी सुनने की शक्ति। सौम्या बताती हैं कि इसकी शुरुआत अगस्त 2010 में मेरे कानों में बहुत तेज गूंज के साथ हुई, लेकिन सुनाई न देने की हानि अचानक हुई और इस हद तक चली गई जहां मैं अपनी आवाज नहीं सुन पा रही। मेरी कक्षा 11वीं का अधिकांश समय अस्पताल जाने में व्यतीत होता था, लेकिन मेरे परिवार, दोस्तों और आधुनिक तकनीक के समर्थन से मुझे फिर से सुनने का माध्यम मिला। अब सौम्या हियरिंग एड के माध्यम से सुनती हैं। लॉ की पढ़ाई के दौरान किया UPSC सिविल सेवा परीक्षा देने का फैसला। सौम्या बताती हैं, एक बार जब आप कानून का अध्ययन करते हैं तो आपका झुकाव स्वाभाविक रूप से सामाजिक मुद्दों की ओर हो जाता है। आप संवैधानिक कानून, मानव अधिकारों और बहुत सी अन्य चीजों के बारे में पढ़ते हैं जो आपको समाज के लिए कुछ करने के लिए प्रेरित करती हैं। हालांकि मैंने फरवरी 2017 में परीक्षा लिखने के बारे में अंतिम फैसला किया। परीक्षा की तैयारी के लिए मेरे पास केवल 4 ही महीने थे, लेकिन सिविल सेवाओं में आने से लोगों के लिए कुछ करने के जज्बे ने मुझे हौसला दिया। बिना कोचिंग के दी UPSC सिविल सेवा की परीक्षा। सौम्या कॉलेज के अपने अंतिम वर्ष में UPSC की तैयारी करने लगी। उन्होंने इसके लिए कभी भी कोचिंग क्लास का सहारा नहीं लिया। वह अपनी कॉलेज की पढ़ाई के साथ साथ ही प्रीलिम्स की तैयारी करती रही। उनकी अंतिम कॉलेज परीक्षा 2 जून 2017 को हुई और केवल 16 दिन बाद सौम्या ने प्रीलिम्स परीक्षा दी और उसे पास भी किया। 103 डिग्री बुखार में दी मेंस की परीक्षा। मेंस परीक्षा से कुछ दिन पहले सौम्या को तेज बुखार हुआ। उसी बुखार में उन्होंने अपना ऐसे पेपर लिखा और जब वे पेपर देकर घर लौटी तो उनका बुखार 103 डिग्री तक पहुंच गया था। सौम्या बताती है कि उस समय मेरी हालत इतनी खराब थी कि बेड से उठ पाना भी मुश्किल था, परंतु उन्होंने मामूली बुखार की वजह से अपनी मेहनत को जाया ना जाने देने का फैसला किया और वे 103 डिग्री बुखार में GS पेपर 1 देने गई। लंच ब्रेक में उन्हें तेज बुखार की वजह से IV ड्रिप लगानी पड़ी, परंतु उन्होंने फिर भी हिम्मत से काम लिया और GS पेपर 2 लिखा। हालांकि पेपर के दौरान कई बार उन्हें कमजोरी की वजह से चक्कर आए, परंतु उनके बुलंद हौसलों ने उनका साथ नहीं छोड़ा। ये सौम्या की मेहनत और हौसले का ही नतीजा था कि कठिन परिस्थितियों को पार करते हुए उन्होंने पहले ही अटेम्प्ट में बिना किसी कोचिंग का सहारा लिए 9वीं रैंक हासिल की। अगर उस समय बुखार से हार मानकर सौम्या परीक्षा नहीं देती तो आज हम उन्हें IAS सौम्या शर्मा के नाम से नहीं जानते। उनकी मेहनत, आत्मविश्वास और बुलंद हौसला देश के हर युवा के लिए प्रेरणा है। उम्मीद करती हूँ गाइस कि आपको ये वीडियो पसंद आया होगा। अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा तो इसे लाइक और शेयर जरूर करें और हमारे चैनल जागरण जोश को YouTube पर सब्सक्राइब करें। टिल द नेक्स्ट टाइम, स्टे हेल्दी, स्टे सेफ, गुड बाय।